देखिए हरिद्वार का ये ब्रह्मकुंड, एक वक्त था जब हजारों लाखों यात्री आस्था की एक डुबकी लगाया करते थे। यहाँ पैर रखने की और तिल धरने की यहाँ जगह नहीं होती थी, लेकिन आज देखिए कैसा वक्त आया है। इस वक्त ने पूरी दुनिया में सन्नाटा कर दिया। आप हरिद्वार के हालात देखिए कैसे हैं। हरिद्वार में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं, सरकार के सख्त निर्देश हैं कि आप अपने घर में रहिएगा। चूँकि हम पत्रकार हैं, हमारी मजबूरी है आपको हर खबर से खबरदार करना, बताना आपको कि आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। उस हर खबर पर हम लोगों की नज़र है। ये हरिद्वार का हर की पौड़ी क्षेत्र है और देखिए सन्नाटा। ये सामने वाला जो आप देख रहे हैं ब्रह्मकुंड, यही लगती थी आस्था की डुबकी और यही होती है हर शाम सुबह गंगा जी की आरती। गंगा जी का जल देखिए, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा का ऐसा जल देखने को भी नहीं मिला था, लेकिन कुदरत का नज़ारा देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम गंगा जल, माँ गंगा आप खुद देखिएगा। ये कुदरत है, न्याय करती है। आप देखिए कितना सुंदर, निर्मल, कोमल, शीतल जल, साफ सुथरा। आप देखिए कैसे हम पैड़ी तक को हम आपको दिखा सकते हैं कि बिल्कुल इतना साफ सुथरा जल, पैड़ियाँ भी साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं। हम और इसको अगर आगे ले जाएं देखिए कि बिल्कुल साफ सुथरा जल, यही है माँ हर की पौड़ी, माँ गंगे। बिल्कुल सन्नाटा। ये हमारा हरिद्वार का महत्वपूर्ण घंटाघर। चलिए हम फिर से आपको एक बार फिर हर की पौड़ी माँ गंगा के दर्शन करा दें। जय माँ गंगे, हर हर महागंगे।